हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू इस मैथनोडी सी ग्रुप डी के लिए आए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द ग्रेटेस्ट नंबर एमोंग रूट फाइव क्यूब रूट ऑफ फोर फिफ्थ रूट ऑफ टू सेवन रूट ऑफ थ्री इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है सर क्या दिया हुआ है फिफ्थ रूट ऑफ वन बाई टू फाइव टू द पावर वन बाई टू फोर टू वन बाई थ्री टू टू वन बाई फाइव थ्री टू पावर वन बाई सेवन सर ये देख के पता चल जा रहा है कि फिफ्थ रूट रूट फाइव इज़ द ग्रेटेस्ट है ग्रेटेस्ट है ठीक है अब स्मॉल बोलता तब भी सोचते आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला गया है। अब एक चीज देखो कैसे ये प्रूफ होगा कि यही ग्रेटेस्ट है ये प्रूफ करने का तरीका है नीचे जो जो पावर के नीचे वाला है टू थ्री फाइव सेवन इनका एलसीएम से गुना कर दो पावर में तो फाइव टू दी पावर वन बाई टू होल्ड टू दवर दो सौ दस इनका एलसीएम क्या है सर पाँच दो दस दो तीन पाँच सात का एलसीएम सी एम सात तीन इक्कीस पाँच दो दस तो दो सौ दस एल है तो पावर दो तो सौ दस फोर टू दी पावर वन बाई थ्री टू तो दी पावर दो तो सौ दस टू टू दि पावर वन बाई फाइव टू तो दी पावर दो तो सौ दस थ्री टू दी पावर वन बाई सेवन टू तो दी पावर दो सौ दस दो से काटेंगे तो क्या हो जाएगा सर फाइव टू तो दी पावर दो एकम दो जीरो तो दो पाँच फोर टू दी पावर कितना हो जा रहा है सर तीन सौ तेईस तो सत्तर टू टू दी पावर कितना हो जा रहा है सर टू टू तो दी पावर पाँच पाँच चार बीस पाँच दो दस बयालीस थ्री टू दी बार कितना हो जा रहा है सर थ्री टू दी बार सात तीन इक्कीस तीस ठीक है तो देखो सबसे देख के ही पता चल जा, जा, जा रहा है फाइव टू दार वन जीरो फाइव इज द ग्रेटेस्ट अमाउंट बाकी में से सबसे बड़ा है इसीलिए फाइव टू दर वन बाई टू इज द ग्रेटेस्ट ये पहले इतना करने का ज़रूरत ही नहीं था क्योंकि ग्रेटेस्ट दिया हुआ था स्मॉलेस्ट बोलता तब सोचते ग्रेटेस्ट बोला गया सोचने का जरूरत ही नहीं था ओके सर थैंक यू बाय बाय स्टे स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट क्लास